एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। भाई गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, साथ में बरसात का मौसम भी स्टार्ट हो ही चुका है, और अगर आप अपने स्किन की अच्छे से केयर नहीं करोगे तो क्या होगा, आपकी स्किन जो है रूखी सूखी बेजान होती चली जाएगी। देखिए गर्मियों के मौसम में होता क्या है कि हमें बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है और हम भी बार बार अपने चेहरे को धोते रहते हैं, तो हमारी स्किन का जो नेचुरल मॉइस्चर है वो कहीं ना कहीं खत्म होता चला जाता है। और एक प्रॉब्लम जिसे हर कोई गर्मियों के मौसम में जूझता है कि हमारी स्किन जो है एक शेड काली हो जाती है, मतलब टैनिंग की समस्या हो जाती है। और ऐसे भी गर्मियों के मौसम में एक्स्ट्रा स्वेटिंग होती है, हमारी स्किन भी एक्स्ट्रा सीबम ऑयल, नेचुरल ऑयल बाहर निकालती है, उसकी वजह से जब भी हम बाहर कहीं भी जाते हैं ना तो धूल मिट्टी प्रदूषण हमारी फेस पे जमता जाता है, नतीजा कि वो हमारे पोर्स के अंदर अंदर घुसता चला जाता है और ब्लैक एंड व्हाइट हेड का रूप ले लेता है। तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीका आज बताऊंगी जिससे कि आप इन सारी जो भी स्किन की आपकी समस्या है, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट हेड आपको हो चुके हैं या फिर आपके फेस की इन पोर्स के अंदर धूल मिट्टी प्रदूषण जम चुका है, तो सबको हम एक फेस पैक की मदद से क्लीन कर देंगे। तो करना क्या है, घर में मौजूद, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी रेमेडीज बहुत ही ज्यादा सिंपल होती है, घर में मौजूद कम से कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम बहुत ही बढ़िया चीज तैयार करते हैं जिससे कि आपको बहुत बढ़िया फायदा भी नजर आए। देखिए क्या करना है, रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मसूर की दाल, और मसूर की दाल गुणों से भरपूर होती है, प्रोटीन इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है, साथ ही इसमें ब्लीचिंग एजेंट पाए जाते हैं, तो ये आपके फेस के दाग धब्बों को भी दूर करती है। तो मिक्सर जार की हेल्प से हम इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे, लगभग आधी जैसी चम्मच मैंने यहाँ पे बाउल में ले लिया है। अब हम लेंगे चावल, जी हाँ, जो आप नॉर्मल खाने में इस्तेमाल करते हैं वही वाले चावल लेने हैं। अगर आपके पास आटा नहीं है तो इसे आप मिक्सर जार में अच्छी तरह से पीस करके आटा तैयार कर सकते हो। मेरे पास पिसा हुआ आटा है, तो ये देखिए इस तरीके से जितनी हमने मसूर दाल ली थी उतना ही आपको ये चावल का आटा लेना है। मसूर की दाल प्रोटीन से भरपूर होती है और इसमें ब्लीचिंग एजेंट भी पाए जाते हैं। जिन लोगों को पिगमेंटेशन की समस्या होती है उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा कारगर होती है। अगर आपको पिगमेंटेशन की समस्या है तो दो चीजों पर खास ध्यान रखिएगा, एक तो अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज रखना है। आप क्या कर सकते हो, शहद बहुत बेस्ट इंग्रेडिएंट है जिन लोगों को पिगमेंटेशन दाग धब्बों की प्रॉब्लम है। शहद के अंदर थोड़ा सा मामूली सा 2-3 बूंदे अगर आपने मुंह के रस की डाल के अपने चेहरे पे डेली लगाते हो ना तो आपको बहुत ही अच्छा फायदा देखने को मिलता है। पिगमेंटेशन एक्चुअली में होती इसलिए है, देखिए हमें लगता है कि हमारे चेहरे की जो बाहरी परत है, क्योंकि पिगमेंटेशन में हमारा चेहरा बिल्कुल ऐसे ऐसे स्पॉट काले काले नजर आते हैं ना, तो हमें लगता है कि भाई बाहर की स्किन जो है खराब है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारी जो बाहर वाली स्किन है ना उससे जो अंदर वाली लेयर है स्किन की वो खराब हो चुकी होती है, वो डैमेज हो चुकी होती है। एक बात और बोलना चाहूंगी कि बहुत बार आप लोग पूछते हो कि पिगमेंटेशन की समस्या बहुत ज्यादा है, बहुत ट्राई कर लिया लेकिन आपकी ये समस्या खत्म नहीं हो पा रही है, तो देखिए ये जो समस्या है लेडीज में ये कैल्शियम और आयरन की कमी की वजह से भी होती है। आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए, जिनकी आपने अगर पैक भी इस्तेमाल कर लिया लेकिन कोई फायदा नहीं नजर आ रहा है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, वो आपको सप्लीमेंट्स सजेस्ट करते हैं इसके आयरन और कैल्शियम के, उसको यूज करने के बाद। देखिए इंटरनली भी आपको प्रॉब्लम को, जब तक आप इंटरनली प्रॉब्लम को जड़ से खत्म नहीं करेंगे तो बाहर में जितने मर्जी फेस पैक लगाते रहिए फायदा नहीं नजर आएगा, तो आपको वहां डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी है। अपनी मर्जी से भी नहीं लग जाना है कि अच्छा ये सप्लीमेंट में खाने लग जाऊं, कई बार ना हमारी बॉडी में उसके साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं जिनका एकदम से पता नहीं चलता है लेकिन काफी टाइम के बाद वो रिएक्ट करते हैं, तो ऐसा रिस्क भाई अपने साथ नहीं लेना है। अब हमें लेना है जैगरी पाउडर, गुड़ की पिसी हुई फॉर्म को जैगरी पाउडर या फिर शक्कर हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। तो देखिए इसका भी आपको उतनी ही क्वांटिटी लेनी है जितना कि आपने चावल और मसूर की दाल ली थी। जैगरी पाउडर अगेन बहुत ही ज़्यादा गुणों से भरपूर होता है, और अब कच्चे दूध की हेल्प से हम इसे अच्छी तरह से एक गाढ़ा जैसा पेस्ट बनाएंगे। कच्चे दूध में लैक्टिक एसिड भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप कच्चे दूध का इस्तेमाल करें, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप गुलाब जल की मदद से भी इसे एक गाढ़ा जैसा पैक बना सकते हैं। बस यही आपको लेना है जो कि आपके किचन में इजीली मिल जाएगा। अब देखिए आपको इसे क्लीन फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है, आप चाहें तो इसे एज अ फेस पैक ही डायरेक्ट इस्तेमाल करके लगभग 10-15 मिनट तक सूखने देने के बाद नॉर्मल पानी से धो सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले इसे स्क्रब की तरह इस्तेमाल करें, इससे आपकी स्किन एक्सफोलिएट होगी, डेड स्किन जमी जो रहती है हमारे फेस पे वो निकल जाएगी।
साथ ही चेहरे के रोम छिद्र में जो धूल मिट्टी जम जाती है और बाद में ब्लैक एंड व्हाइटेड का रूप ले लेती है तो वो भी आसानी से निकल जाती है। इसे आप अगर आपकी गर्दन पे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फुल बॉडी पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों के मौसम में एक्स्ट्रा स्वेटिंग की वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट होती है, तो गुलाब जल एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है आपकी स्किन को हाइड्रेशन करने के लिए। देखिए बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि नहीं वहाँ से सुना है ये टोनर लगाइए वो टोनर लगाइए और उसी चक्कर में पड़े रहते हैं कि हमारी स्किन टाइप कौन सी है ये है वो है। इतने चक्कर में मत पड़ो भैया, आप सीधे गुलाब जल को ले आइए। गुलाब जल बहुत बेस्ट टोनर का काम करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करता है, पीएच लेवल को बैलेंस भी रखता है, फेस पे दाग धब्बे उसको भी लाइटन कर देता है, तो और चाहिए क्या। और एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि अपनी स्किन को हाइड्रेट जरूर रखें, मतलब टोनर का इस्तेमाल आप जरूर कीजिए। तो जब भी कोई फेस पैक आप लगाते हो, फेस अपना वॉश किया है, तो आपको गुलाब जल की मदद से, मैं तो स्प्रे बॉटल में भर के रखती हूँ ना, और बस मुझे तो जब भी अपना फेस वॉश करूँगी तो जरूर। और इससे जो आपकी स्किन के पोर्स होते हैं जिनको लार्ज पोर्स की समस्या होती है, रोम छिद्र छिद्र जो है बड़े हुए होते हैं, तो उनके लिए बहुत बेस्ट सॉल्यूशन रहता है। और इससे आपकी जो स्किन के पोर्स होते हैं वो भी धीरे धीरे से श्रिंक होना स्टार्ट होते हैं, नतीजा आपकी चमकती धमकती यंग टाइप। अच्छे से स्क्रब करके 10-15 मिनट तक अपने चेहरे पे इस पैक को रखने के बाद हम अपने चेहरे को नॉर्मल पानी से साफ कर लेंगे। जैसे ही आप अपने चेहरे को धुलोगे तो आपको अपनी स्किन एक्स्ट्रा सॉफ्ट नज़र आएगी और थोड़ा ब्राइटन भी नज़र आएगी। अच्छा, उसके बाद आपको टोनर इस्तेमाल करना है। मैं गुलाब जल को ही एज अ टोनर इस्तेमाल करती हूँ और इसे मैंने स्प्रे बॉटल में डाल रखा होता है, या फिर मार्केट में आपको स्प्रे बॉटल में ही गुलाब जल मिल जाता है। अगर नहीं हो तो मैं ऑप्शन बता रही हूँ कि आप स्प्रे बॉटल ले लीजिए और उसमें भर के यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इस्तेमाल करना थोड़ा ईजी होता है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल लिया है, उसे एज अ मॉइस्चराइज़र मैं इस्तेमाल करती हूँ। और एलोवेरा जेल अगेन हमारे चेहरे के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, दाग धब्बों को दूर करता है, स्किन को यंग टाइट बनाए रखता है, तो बहुत अच्छा विकल्प है कि आप एलोवेरा जेल को एज अ मॉइस्चराइज़र डेली इस्तेमाल करें। तो इस तरह से आप इस फेस पैक को दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ये आपकी फेस की डेड स्किन को भी रिमूव कर देगा, स्किन को एक्सफोलिएट करके आपकी डेड स्किन रिमूव हो जाएगी और जो भी धूल मिट्टी प्रदूषण आपके पोर्स के अंदर घुस चुके हैं ना उसे भी रिमूव कर देगी, तो है ना बेस्ट सॉल्यूशन। और बस थोड़ी देर से अपने फेस पे लगा रहने देने के बाद ठंडे पानी से, नॉर्मल पानी से जो आपके पास आपके टैप में आ रहा है भाई, उससे अपने चेहरे को धो लीजिए। और ये जो काम है ना आप हफ्ते में 2 से 3 बार तो जरूर ही कीजिए, आप देखोगे कि आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत रह ही नहीं जाती है। तो और क्या करना जब हमें घर की मौजूद चावल जो है ना ये एक ब्लीचिंग एजेंट का काम करते हैं। आपने सुन ही रखा होगा कि कोरियाई जो स्किन सबसे बढ़िया स्किन जो है ना वर्ल्ड में कोरियाई जो वुमेन्स है उनकी होती है, तो उनका सीक्रेट है ये कि वो चावल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी स्किन केयर रूटीन में, तो इससे ज़्यादा बेहतर और आपको कुछ मिल नहीं सकता। और बाकी केमिकल प्रोडक्ट जो है ना थोड़ी देर के लिए चमक धमक तो दे देते हैं लेकिन फॉर एवर के लिए रिजल्ट नहीं देते हैं। इसलिए आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे, फेस पैक आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह के और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।